तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? हायुक सब बढ़िया होंगे, ठीक हो? फाइनली गाइस आ चुके हैं सिद्धार्थ आनंद जी और ऋतिक रोशन के फाइटर के एक न्यू एपिसोड में वापस। तो भाई वेड नर्सरी की बात करेंगे, देखेंगे एडवांस बुकिंग गाइस वो कितनी हो चुकी है कंपैरिजन टू ट्यूजडे। क्या हमें थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमें मंडे को अपने ट्यूजडे को थोड़ा सा जंप देखने को मिला था एडवांस में, या फिर नहीं, या फिर थोड़ा सा गाइस ड्रॉप होता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। देखो गाइस ये एपिसोड थोड़ा शॉर्ट है गाइस, वो रहने वाला है। आज भी बोलते हो कि भाई 3-4 मिनट के आसपास ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम एपिसोड की अपनी ड्यूरेशन है गाइस वो रखा करो, तो ये थोड़ा शॉर्ट ही रहने वाला है। तो भाई वीडियो आगे बढ़ाए उससे पहले आपको क्या करना है भाई, डे वाइज एडवांस बुकिंग हो एंड डे वाइज बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। कर क्या रहे हो भाई, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब इस तरह अपडेटेड वीडियोस के लिए। तो गाइस सबसे पहले यहां पे भाई मेकर्स ने मंडे की ऑफिशियली फिगर है गाइस वो नहीं दी है। जी हां गाइस, केवल पांचवें दिन ही भाई उन्होंने फिगर है वो नहीं दी है। मैंने 1-2 बजे जब हमने 2 बजे डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बताया था वेट करते हैं, बट गाइस अभी तक भी उन्होंने फिगर है वो नहीं है। इसका मतलब कि आज गाइस वो फिगर है वो नहीं ही देने वाले हैं, और जो फिगर गाइस मंडे को आई है मेकर्स भाई बिल्कुल भी खुश है वो नहीं है। एटलीस्ट डबल डिजिट के आसपास उससे ज्यादा तो आनी चाहिए थी, जो गाइस ऐसा नहीं हो पाया। मैंने आपसे को बताया था ट्रेन ने भाई 7 करोड़ 25 लाख छापा है, 7 करोड़ 25 लाख, तो भाई प्रोड्यूसर कितना दे सकते हैं भाई, 8-8.5 करोड़ के आसपास, इससे तो ज़्यादा तो जा नहीं सकते। तो जो ट्रेड की फिगर है गाइस, चलो सबसे पहले बता ही देते हैं कि पहले 5 दिनों में कितना बिजनेस है गाइस वो हो चुका है। थोड़ा एस्टिमेट के हिसाब से देखेंगे मंडे का ट्रेड ने 7 करोड़ 25 दिया और अभी तक हो चुका है 121.75 करोड़ इंडिया नेट अकॉर्डिंग टू ट्रेड फिगर। मूव करते गाइस प्रोड्यूसर की ओर, तो प्रोड्यूसर हम 8 करोड़ के आसपास पर करते हैं डायरेक्टली गाइस मोटा मोटा, तो ये हो जाएगा 131.60 करोड़, 131 करोड़ 60 लाख इंडियन नेट हो जाएगा। एंड ग्रॉस बनेगा 156.60 करोड़, 156.60 लाख के आसपास। एंड ओवरसीज से 60.27 करोड़ के आसपास अभी तक बिजनेस है गाइस वो निकाल चुके, जो कि यस्टरडे की फिगर आई है ओवरसीज की 3.32 करोड़ की। एंड वर्ल्ड वाइड में 216.87 करोड़, 216.87 लाख पहले 5 दिनों में फाइटर ने गाइस बिजनेस है वो निकाल दिया। मैं आपको भाई क्लैरिफाई कर दूं भाई, कुछ लोग हैं वो फिगर ऐड कर रहे हैं जो कॉम्सको ने दिया था 208 करोड़ का यहां पे फर्स्ट हाफ वीकेंड का, बट गाइस हम वो नंबर्स है वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इतना है कि भाई जो यहां पे कॉम्सको ने फिगर दी थी मेकर्स है वो रीपोस्ट तो की थी, बट गाइस देखो उन्होंने पोस्टर दिया है एंड पोस्टर में 208 करोड़ लिख सकते थे। अगर 200 वो लिख रहे हैं, अगर पोस्टर दे रहे हैं तो भाई 208 भी उसमें लिख सकते थे, भाई उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो नहीं कर रहे तो भाई हम भी वो फिगर है वो इंक्लूड है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये रहा 216.87 करोड़ पहले यहाँ पे 5 दिनों में। एंड यूएसए ने कनाडा नॉर्थ अमेरिका में ये पहले 5 दिनों में 35.57 करोड़ का बिजनेस है गाइस वो निकाल चुके हैं, 35.57 करोड़। और ऋतिक रोशन की हाईएस्ट बिजनेस करने वाली पिक्चर है नॉर्थ अमेरिका में वार, जिसने लगभग 39 करोड़ का बिजनेस किया था। तो गाइस फाइटर उसको ईजिली ओवरटेक है वो कर सकती है और ये बन जाएगी उनकी करियर की नंबर 1 पिक्चर नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिजनेस। एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 7.18 करोड़ का बिजनेस है गाइस वो निकाल चुके हैं पहले 5 दिनों में, 7.18 करोड़। एंड यूके में 6.76 करोड़। तो गाइस ये है टोटल ऑफ अब तक का बिजनेस यहाँ पे फाइटर का। अब देखते हैं गाइस मेकर्स कब तक ऑफिशियल नंबर्स है गाइस वो देते हैं। देखो गाइस अगर उन्होंने मंडे को नहीं दिया है तो मुझे नहीं लगता गाइस अब ट्यूजडे वेडनेसडे को भी ये फिगर है गाइस वो देंगे, वो डायरेक्ट गाइस फर्स्ट हाफ वीक की अब पोस्टर है गाइस वो देंगे या फिर डायरेक्ट फिगर है गाइस वो दे सकते हैं। लेट्स सी गाइस, अब देखते हैं मेकर्स क्या करते हैं। मूव करते हैं गाइस अब एडवांस बुकिंग की ओर। 2D की बात करें तो ऑलमोस्ट 60 लाख के आसपास बिजनेस है गाइस बहुत चुके हैं, जो कि 43,000 के आसपास टिकट्स है गाइस वो बिके हैं, जो कि 3D में ऑलमोस्ट 36 लाख के आसपास एडवांस है वो हुआ है। एंड IMAX में 1,70,000 और ऑल ऑफ का ऐड करके गाइस कहीं ना कहीं 1 करोड़ के आसपास एडवांस है गाइस बहुत चुका, जो कि 60,000 के आसपास टिकट्स हैं गाइस वो बिके हैं, जो कि कल सेम टाइमिंग 1.12 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग थी। मतलब कि एडवांस है वो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है कंपैरिजन टू ट्यूजडे गाइस जो अभी तक दिख रहा है, जब हम मंडे को ट्यूजडे के लिए डिस्कशन गाइस वो कर रहे थे सेम टाइमिंग। अब देखते हैं जो बचा हुआ टाइम है इसमें एडवांस की गाड़ी है गाइस वो कहाँ तक जा पाती है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आज के दिन गाइस कितनी फिगर अब निकल के सामने आती है। मैंने अभी आफ्टरनून एंड इवनिंग के शोज देखे तो थोड़े से गाइस ड्रॉप दिख रहे हैं, 7.25 करोड़ देख रहा है दे रहा है अगर यहाँ पे ट्रेड मंडे की तो भाई 6.50 करोड़ दे सकता है ट्यूजडे की। लेट्स सी गाइस अब देखते हैं, शाम को मिलेंगे 8:30 से 9 बजे के बीच में आज ट्यूजडे कितना बिजनेस है गाइस वो आ सकता है वर्ल्ड वाइड में। तो बाकी आज सभी के लिए